नमस्कार, मैं हूं आपकी प्यारी लाली और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस YouTube के चैनल लाली की थाली में। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं नारियल की बर्फी, जिसके लिए ले लिया है मैंने ताजा नारियल। इसके ऊपर का ब्राउन हिस्सा मैंने नहीं निकाला है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। इसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, दरदरा कर लिया है। इसको अब हम कढ़ाई में डाल देंगे, फ्लेम कर देंगे एकदम स्लो, और इसमें डाल देंगे होममेड कंडेंस्ड मिल्क। इसकी रेसिपी मैं आपको आगे वीडियोस में दे दूंगी। इसकी जगह आप यहाँ पे दूध और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिलाइए और इसको पकाते रहिए। इसी बीच हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने के बाद फिर से इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी देखिए साइड में चिपक रहा है, तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा साइड्स छोड़ते जाएगा। इसमें मैंने डाल दी है चीनी और थोड़ी सी इलायची। चीनी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि कंडेंस मिल्क में मैंने काफ़ी कम मात्रा में चीनी यूज़ की थी। दोनों को अच्छे से, सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाइए। अब देखिए धीरे धीरे पैन छोड़ने लगा है, और यहाँ पर मैंने एक टिफ़िन ग्रीस कर लिया है, प्लेट जो भी आप ले लीजिए, और इसको मैंने इसमें निकाल के मैशर की मदद से थोड़ा सा दबा दिया है, और ऊपर से गार्निश करने के लिए डाल दिया है पिस्ता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे इस YouTube के चैनल लाली की थाली को सब्सक्राइब करिए।